लेकिन मज़ा भी है, पर एडवेंचर रात को शुरू होता है यार। रात को बड़ी तेज़ बारिश तूफान आना शुरू हो जाता है, सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टेंट में। 3 दिन से शावर नहीं लिया है। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा दूँ एडवेंचर की। वैसे तो मैं तोड़ नहीं सकता, ये पाइप यहाँ पे मिल गई मेरे को, ये नारियल सारे तोड़ लूँगा। अब मैं 5-6 नारियल ले जाऊँगा ताकि 1-2 दिन के लिए आना नहीं पड़ेगा। इस आइलैंड पे सच में ऐसे ना सरवाइव करना पड़ रहा है मुझे, मतलब इस आइलैंड पे फंस गया हूँ मैं। अभी देखो बारिश हो जा रही है, आपको अगर सुन रही है तो। अब बंदा बारिश में कैसे साफ करेगा, मतलब ये देखो इतने सारे बर्तन लाइन में रख दिए हैं ताकि पानी तो मिले कम से कम, पीने को पानी भी नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस, तीसरे दिन की सुबह हो गई है, सुबह के बजे 9। सुबह उठते ही फिर से वही काम, ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना। इस आइलैंड पे मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ सही बताऊँ। 3 दिन से मतलब मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट किया जा रहा हूँ, क्योंकि इस वेदर की वजह से ना वीडियो एडिट हो रही है ना कुछ और हो रहा है, क्योंकि हवा रुक ही नहीं रही है यार। हद होती है कोई, मतलब कि 3 दिन लगातार हो गए। जिस दिन मैं आया था ना उस दिन हवा चल रही थी, और सिर्फ एक दिन सूरज देखा है मैंने इस पे। आज तीसरे दिन की सुबह है। आप सभी को अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, मैं हूं एक मोजाम्बिक देश के अंदर इनियाका आइलैंड पे। यहाँ पर मैं फ्री में रह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हो आप मेरे पीछे, यहाँ पर जो लेडी है ना, जो इस लैंड की ओनर है, वो एक योगा टीचर है, और थोड़ी बहुत वो मतलब कि साउंड हीलिंग वगैरह ऐसा थोड़ी मेडिटेशन वगैरह करवाती है। तो उनके लिए मुझे एक वेबसाइट बना के देनी है इस प्लेस के लिए, यहाँ पर वो लोगों को बुलाएगी और मेडिटेशन वगैरह करवाएगी। ये वो फ्रूट है मैं आपको बता रहा था, इसको तोड़कर बिल्कुल अंदर से ये इमली जैसा टेस्ट लगता है इसका, ये नीचे गिरा हुआ। इसको तोड़कर मैं आपको दिखाऊंगा, पहले यहाँ पर मैं आपको टॉयलेट दिखा देता हूँ कैसी है। ये देखो ये इनका शावर एरिया है, ये सिर्फ इनकी टॉयलेट है, बाल्टी से पानी डालना पड़ता है इसमें। एक तो शुक्र है भाई, सुबह सुबह आग तो जला देते हैं यार। अगर मैं अकेला होता ना तो अपने से आग ना जलती, क्योंकि यहाँ पर हवा ही इतनी तेज आई है भाई। देखो ये टैंक रख रखा है ताकि हवा रोक सके थोड़ी बहुत, फिर भी देख लो कितनी हवा रुक रही है। बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल सही बताओ। ये देखो ये दोनों भाई कभी कभी आ जाते हैं मेरे साथ, बातें मारते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड गुड, हाउ आर यू? ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की लोकल मार्केट। ये सामने बीच में जो देख रहे हो ना आप, ये सब्जी की मार्केट है, और यहाँ पर आपको अलग अलग रेस्टोरेंट दिख जाएंगे हर जगह। और ये जो सामने रेस्टोरेंट दिख रहा है, इसमें अभी मैंने खाना खाया है। ये देखो ऐसी मार्केट मिल जाएगी आपको, और जो भी चाहे फ्रूट वगैरह आप सब कुछ ले सकते हो इधर से। ये देखो भाई अगर कोई 12 बजे से पहले बीमार हो गया ना, ये एम्बुलेंस खड़ी है सामने, कोई हादसा हो गया 12 बजे से पहले या 1 बजे से पहले, तो ये एम्बुलेंस चल नहीं सकती, क्योंकि पानी बुलाना पड़ेगा पहले, फिर इसको चलाया जा सकता है, अदरवाइज ये चल नहीं सकती। कमाल है ना, मतलब वो बंदा मेरे को ये भी बोल रहा था, मतलब जिसके पास मैं रुका हुआ हूँ जो कि केयर टेकर है, वो बोल रहा था कि तुम ऐसे मत चले जाना कहीं पर भी, पानी नहीं है, आप जाके उधर बैठ गए सो गए, 12 बजे के बाद पानी आ गया और तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें तैर के जाना पड़ेगा, मतलब कि तुम फंस जाओगे। मतलब सच में अगर आप पीछे जाकर चले गए वहाँ पर ऐसे लग रहा है कि दूर दूर तक पानी है ही नहीं, यहाँ पर आता ही नहीं होगा, आप पीछे जाके बैठ के सो गए, पर वो एक आइलैंड है और उठोगे तब चारों तरफ पानी मिलेगा। तो वो भाई ऐसा बोल रहा था कि कहीं दूर मत जाना, यहाँ पर बहुत ऐसा होता है। मैंने कहा कमाल है यार, ऐसा मजाक, मेरे को लगा ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, लेकिन यहीं पर देखो मैं जहाँ पर लैंड किया था, बोट से नीचे उतरा हूँ, वो यही जगह है, और अब देखो पानी दूर दूर तक नहीं है, पीछे पानी है बिल्कुल पीछे, और जितनी भी बोट आप देख रहे हो सब देखो मिट्टी में खड़ी है सारी की सारी, पानी है ही नहीं। और यही बोट चलने लग जाएगी यहाँ पर, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है वहाँ ऊपर तक। इस तरह के लोगों के घर है यहाँ पर, ऐसी इन्होंने अंदर वॉल लगाई हुई है, 4 दीवारी की हुई है, और पक्के घर तो हैं यहाँ पर बहुत कम मिलेंगे आपको। नीचे से थोड़े थोड़े पक्के घर है, ऊपर इन्होंने छत वही आयरन वाली शीट लगाई हुई है, और दीवारें जैसी है जो ऐसी बनी हुई है इनकी।
और ये रास्ता है शायद, मुझे लग रहा है कि ये बीच में जो है मैं, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लोग कुछ भी उगाते नहीं है। देखो इधर टमाटर लगा रखे हैं लोगों ने, यहाँ प्याज लगा रखे हैं। मुझे पहले लगता था कि यहाँ पर कुछ उगता नहीं होगा, ये आइलैंड से मतलब कि मेन लैंड से ही लेके आते होंगे सब चीज़ें, पर ऐसा नहीं है। नारियल आपको हर जगह मिल जाएंगे, और ये देखो प्याज आपके सामने है। खेती भी करते हैं लोग, टमाटर भी लगा रखे हैं पीछे देखो। अच्छा लगा मेरे को ये आइलैंड यार। और घर देखो आप ऐसे हैं, नीचे से ये दीवार के ऊपर से ये इन्होंने बाउंड्री बना रखी है, दीवार ऐसी बनाते हैं ये लकड़ी की। पर लेकिन इस आइलैंड पे एक चीज़ अच्छी है, सब जगह आपको पानी की फैसिलिटी मिलेगी, ऐसा नहीं है कि पानी की कमी है यहाँ पर बिल्कुल भी। अभी मार्केट से मैंने ये दूध का पैकेट ले लिया है एक, ये देख सकते हो आप, ये भाई काफ़ी महंगा मिला है, $2 का, लगभग 160 रुपये का 1 लीटर दूध मिला है यहाँ पर। इसलिए ज़्यादा मैं दूध भी नहीं पी सकता यहाँ पर, क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा महंगा है। और अंडे भी पता किए, अंडे भी काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। तो मैंने सोचा कि चाय चूहे बनाने के लिए 1 लीटर दूध ले लेते हैं, क्योंकि यार ठंड ज़्यादा है, तो सुबह शाम थोड़ी बहुत चाय हो जाए तो बढ़िया है। क्योंकि कॉफ़ी और पत्ती, चाय पत्ती मेरे पास है, तो वो मैं घर पे आग के ऊपर बना लूँगा, दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। क्योंकि बिना दूध की चाय और कॉफ़ी मैं नहीं पी सकता, जैसे कि यहाँ पर लोकल लोग पीते हैं। सीधा डायरेक्टली कॉफ़ी और चाय को पानी में उबाला, चीनी अगर शुगर डालनी है तो डाल लिया, चीनी डालनी है तो नहीं, तो सीधा ही पी जाते हैं बिना दूध के, पर मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये देखो ये एयरपोर्ट है और ये सामने रनवे है, हर बार ये क्रॉस करना पड़ता है मार्केट जाने के लिए यहाँ पर। और अभी तक मैंने 2-3 दिनों से कोई प्लेन नहीं देखा है यहाँ पर। फिर से उसी जगह पर आया हूँ आज नारियल लेने, क्योंकि 4 नारियल लेके गया था उस दिन, वो चारों पी लिए हैं मैंने नारियल पानी, और एक आधा आम और मिल जाएगा यहाँ पर। ये देखो ये वाला जो ट्री है जिससे मैं मतलब पिछली बार नारियल लेके गया था, ये जो नीचे पाइप पड़ी है ना रोड लोहे की, इससे तोड़ता हूँ मैं नारियल, अदरवाइज तो मेरे से तो टूटेंगे नहीं ये, वैसे तो मैं तोड़ नहीं सकता। ये पाइप यहाँ पे मिल गई मेरे को, ये नारियल सारे तोड़ लूँगा अब मैं, 5-6 नारियल ले जाऊँगा ताकि 1-2 दिन के लिए आना नहीं पड़ेगा। इस आइलैंड पे सच में ऐसे ना सर्वाइव करना पड़ रहा है मुझे, ऐसे फ्रूट तोड़ के लेके जाने पड़ते हैं ताकि सर्वाइव कर सकें। मज़ा आ रहा है लेकिन आइलैंड लाइफ जी कर। और ये देखो अभी पानी देखो कितना पीछे है ना, और ये पानी यहाँ आ जाएगा 1-2 घंटे में। कमाल है यार इस आइलैंड, जितना दूर पानी मैंने कहीं जाते हुए नहीं देखा, मतलब इस आइलैंड पे अलग ही सिस्टम चल रहा है कुछ। चार नारियल फिर से लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर, देखो कुछ आम पड़े हैं, चेक करता हूँ ये खाने लायक है तो ये भी उठा लेंगे, पर मुझे लगता नहीं आम का सीज़न अभी आया है, क्योंकि दिसंबर में आएगा, अभी अक्टूबर का एंड चल रहा है, तो सिर्फ नारियल से ही काम चलाना पड़ेगा अभी। आम तो अफ्रीका के कोई और देश में ही खाएंगे आप, इस देश में तो नहीं खा पाएंगे। वैसे एक आधा आम खा लेता हूँ मैं कभी कभी, कोई मिल जाता है, क्योंकि वैसे तो बच्चे छोड़ते नहीं हैं पेड़ों के नीचे। ये देखो चारों नारियल देख सकते हो आप मेरे हाथ में। और लेकिन फ्री के फ्रूट मिलते जब फ्री के नारियल मिलते हैं ना, खुशी भी बड़ी होती है यार, क्योंकि इंडिया में कुछ टाइम ऐसा आ जाता है सीज़न जब नारियल 100 रुपये का एक हो जाता है, और अभी यहाँ पर जितने मर्जी ले जाओ उठा कर, जितने आप तोड़ सकते हो, जितने उठा सकते हो, वो चीज़ भी एक अलग खुशी है ना। सुबह आपको दिखाया था कि कितने बड़े बड़े लकड़ मैंने जलाए थे, लेकिन अभी देखो आग यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म होती है, पता नहीं क्या सिस्टम है यार यहाँ पर। ये लकड़ियाँ अपने इंडिया में अगर इतनी लकड़ियाँ जलाओगे ना तो लगभग 3 दिनों तक चलेगी, और यहाँ पर हवा की वजह से इतनी जल्दी लकड़ियाँ ख़त्म होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते, मतलब कि इतनी लकड़ियाँ ये कुछ घंटों में जल गई यहाँ पर, और ये अगर इंडिया में होते ना आप तो 3 दिन लग जाते हैं इन लकड़ियों को जलने में, पर यहाँ पर टाइम ही नहीं लगता, मेरे को समझ ही नहीं आता क्या सिस्टम है ऐसा। अभी नारियल काट कर बढ़िया पियेंगे 2 नारियल, बढ़िया मज़ा आ जाएगा, ब्रेकफास्ट आज कर ही लिया,
अभी इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूँ, क्योंकि यार सारा टाइम है ना ब्रेकफास्ट करने में वेस्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आग जलाने में 3 घंटे लग जाते हैं और फिर इसके ऊपर खाना बनाना पड़ता है, आपको पता ही है, ये ऊपर रखना पड़ता है आग के, तो और ऐसे बड़े बड़े लकड़ों से आग जलाए तो ये ऊपर रख नहीं पाता हूँ मैं, फिर इसको साइड में फैला कर धीरे धीरे बड़ा काम चलता है। आज शायद पानी गर्म भी करूँगा ताकि मैं नहा सकूँ, शावर ले सकूँ, क्योंकि शावर लिए को भी 2 दिन हो गए हैं यार। ये छोटी सी अपनी स्ट्रो फिर से बना ली है मैंने, और नारियल आग के सामने बैठकर मज़ा आ रहा है, बिल्कुल एडवेंचर जी रहा हूँ मैं, जैसे कि मतलब सर्वाइवल नहीं होता आइलैंड के ऊपर, वो जी रहा हूँ मैं, कोई नहीं है मेरे आसपास, अकेला बैठा हूँ मैं, बिल्कुल आग जलानी, कोकोनट लेके आना, मतलब कि पुराने टाइम में लोग जीते होंगे ना वैसी लाइफ जी रहा हूँ, पर लेकिन मज़ा भी है, पर एडवेंचर रात को शुरू होता है यार, रात को बड़ी तेज़ बारिश तूफान आना शुरू हो जाता है, सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है उस टेंट में, 3 दिन से शावर नहीं लिया है। दूसरी साइड भी मैं आपको दिखा दूँ एडवेंचर की, पर चलो ठीक है, आज पक्का शावर लूँगा मैं, पानी गर्म करूँगा और फिर शावर लेंगे पक्का 100%। अभी मैं एक ना लॉज में जा रहा हूँ जहाँ पर कि अंदर बैठने की जगह है और वहाँ पर मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उस लॉज में क्या है कि जो यहाँ के ओनर है ना इस घर के जहाँ पर मैं अभी रुका हूँ, उस ओनर ने फ़ोन कर दिया है वहाँ पर, वो मेरे को अच्छी सी जगह दे देंगे बैठने के लिए और वहाँ पर मैं वाईफाई भी यूज़ कर पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई तो अच्छा है लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है, ना टेबल कुर्सी है, बंदा काम कहाँ से करे, और सारे दिन ऐसा वेदर रहता है, देखो अभी भी कितनी तेज़ हवा चल रही है आप देख सकते हो, तो लैपटॉप पे पानी गिरने का दिक्कत रहती है, तो इसीलिए मैं अभी उस लॉज में जाऊंगा और थोड़ी देर वहाँ काम करूँगा, फिर ही काम हो पाएगा, नहीं तो यहाँ काम होने का सिचुएशन ही नहीं बनती यार, मतलब बंदा काम करे तो करे कैसे, अब देखो सभी लोग आग के नीचे बैठे रहते हैं, वो सामने देखो बच्चे पेड़ के नीचे आग जला कर बैठे हैं, सामने सभी सब लोग आग, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा है, आप 1 मिनट भी कैप नहीं उतार सकते। अभी भाई अंधेरा हो गया है, सारा काम ख़त्म कर लिया मैंने जो वेबसाइट का था, अभी मैं वापस जा रहा हूँ मेरे लॉज में, और भाई सही बताऊँ ना अभी जाकर खाना बनाना है, आग जलानी है, बहुत मुश्किल काम है यार सच में, यहाँ बताऊँ खाना बनाने वाला, क्योंकि आग के ऊपर खाना बनाना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है। चलो अभी चलते हैं वापस, एयरपोर्ट क्रॉस करना पड़ेगा फिर अपना घर आएगा, और अभी इस लॉज को छोड़ देते हैं, कल देखता हूँ वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा इस लॉज में अभी पता नहीं है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, पैर है ना मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ के ऊपर रखे हुए हैं मैंने। अभी अभी वापस पहुँचा हूँ यहाँ पर और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, मतलब कि हद होती है यार, इतना बुरा वेदर भी कहीं पर होता है क्या यार, सच में कसम से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब अब कैसे खाना बनाऊँगा पूरी बारिश के अंदर, यहाँ पर आग तो चलो जल रही है जो सुबह जलाई थी, आज क्या है कि उस जो भाई हमेशा क्या था कि मैं जो भी खाना बनाता था ना वो बर्तन साफ़ कर देता था, मैं अपना खाना बना लेता था, पर लेकिन आज उसने कोई बर्तन साफ़ नहीं किए, कुछ भी नहीं, सुबह से मैं घर नहीं आया, सुबह से मैं मार्केट गया, सुबह आपको मार्केट दिखाई, मार्केट में ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर मैं उस लॉज में चला गया थोड़ा काम करने, और अब शाम को 6:30 बजे मैं वापस आ रहा हूँ, कोई बर्तन धुला नहीं हुआ है, कोई कुछ भी नहीं है यार, अब मैं बर्तन कैसे धोऊँ इतनी बारिश में, फिर नहाना भी था आज, पानी गर्म भी करना था, दिन यहाँ पर ऐसे निकलता है जैसे कि पता ही नहीं चलता सेकंडों के हिसाब से, पूरा दिन कुछ नहीं कर पाया, देखो यार मतलब इस आइलैंड पे फंस गया हूँ मैं, अभी देखो बारिश हो जा रही है आपको अगर सुन रही है तो, अब बंदा बारिश में कैसे साफ करेगा, मतलब ये मुसीबतें आती है ट्रैवलिंग के कारण, अब मेरे पास शुक्र है खाना तो पूरा है बनाने के लिए, जैसे भी हुआ रात को लेट वगैरह बना लूंगा, पर लेकिन कैसे, अभी आया हूं ना तो आज दिन में उसने पानी भी भर के नहीं रखा, क्योंकि सामने मैंने आपको दिखाया एक टूटी लगी हुई है जहां पर कि पानी भरता हूं मैं डेली, पर लेकिन आज बिल्कुल पानी भी नहीं था, तो भाई अभी बारिश हो रही है तो ये बर्तन सारे रख दिए हैं मैंने यहाँ पर, देखो बारिश के पानी से भर रहे हैं ये बर्तन, ये बाल्टी, ये टब, ये देखो इतने सारे बर्तन लाइन में रख दिए हैं ताकि पानी तो मिले कम से कम, पीने को पानी भी नहीं है,
एक चीज तो ठीक है, शुक्र है बारिश की वजह से पानी तो मिल रहा है, और पानी और आग दोनों चीज है मेरे पास, ये चीज फायदा है। तुम लोग कहीं सोच रहे हो कि मैं वीडियो के लिए ये सब कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो के लिए बिल्कुल आपको दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं सच में रियलिटी दिखा रहा हूँ कि क्या चल रहा है सच में।